सात्विक अमला यहाँ से गुजरता है, उसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई है नहीं है। SDM साहब, तहसीलदार जी, यहाँ तक कि थानेदार जी, सारा मतलब कि राजनेता भी यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देके मात्र चले जाते हैं कि रोड का काम चला रहे हैं, आपकी नालियों का निर्माण हो जाएगा। आपका क्षेत्र का क्या नाम है? अमीरगढ़ है और सारा पंच ये विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। सांसद महोदय से कितनी बार हमने लेटर लिख के दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, उसके बावजूद ये न तो नाली का निर्माण हो रहा है। इसकी आपके पास में कॉपी है? आपके पास में कॉपियाँ हैं सर, कितनी बार हमने दिए हैं, उसकी सारी कॉपियाँ हमारे पास पड़ी हुई है। अच्छा, और पास में आपके पास में स्टेशन है और इस स्टेशन के पास में रोड का निर्माण इस तरह से है कोई आम आदमी भी नहीं निकल पाता है। आम आदमी क्या, ये लेडी रोज रोज एक दो लेडी रोज गिर जाती है गाड़ी से, एक दो लेडीज रोज गाड़ी से फिसल के गाड़ी से गिर जाती है। यहाँ तक कि पंचायत के सचिव साहब खुद यहाँ इस गंदगी में गिर चुके हैं, बावजूद उसके इस ओर कोई ध्यान आकर्षित करता नहीं है। और सरपंच साहब को कहते हैं तो सरपंच साहब कहते हैं कि आगे से फंड आता नहीं है, हम कैसे काम चलाएं? तो आगे से कैसे आएगा, उसकी कार्रवाई कैसे होगी इसकी? ये कहते हैं कि ये सारा ये रोड जो PWD के अंतर्गत आता है तो उसका निर्माण PWD करवाएगी और आबादी क्षेत्र तक नाली का निर्माण हम करवा सकते हैं। निर्माण कब तक होगा ये तो बस आश्वासन है, कोई फिक्स नहीं। 10 साल से आश्वासन सुन रहे हैं, 15 साल से ये आश्वासन सुन रहे हैं कि रोड का काम चलेगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक इनका रेलवे स्टेशन के पास में नाली का निर्माण भी होना चाहिए, मगर एक तरह से पूरा राष्ट्र का ये जो नाली का निर्माण है कि नहीं, स्टेशन के पास में जो नाली, रेलवे वाले ने भी अपनी पूरी कॉलोनी डेवलप कर दी है, लेकिन पानी की निकासी का उन्होंने भी प्रॉपर कोई नहीं किया है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? उसके बारे में तो रेलवे प्रशासन को भी हम लिख के दे देंगे सर। और पंचायत के बारे में? पंचायत के बारे में सरपंच कोई काम करवाना चाहता है नहीं। और DM के बारे में? DM साहब तो यहाँ से रोज गुजर रहे हैं, उनको आके देखा हाल उनको खुद को पता है, लेकिन बैठ के गाड़ी में आते हैं और निकल जाते हैं। क्षेत्र की कोतवाली है, उसके बारे में? कोतवाल साहब सारे निकलते हैं सर, फिर इसके बारे में क्या कहते हैं? सारे आंखें मूंद के यहाँ से निकल जाते हैं, कोई इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है, MLA साहब से निवेदन कर चुके हैं, MLA साहब जहाँ रास्ते का निर्माण नहीं करना चाहिए उधर करवा दिया है। और इसके बारे में कोई लिस्ट है आपके पास में, सूचना वगैरह? सूचना हमने ज्ञापन दिए, उसकी प्रतियां हमारे पास मौजूद है। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी YouTube चैनल।